नमस्ते बच्चों, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं जी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऊंट चला पाठ के नए शब्द और प्रश्न उत्तर। टुडे वी विल स्टडी अबाउट न्यू वर्ड एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन नंबर 1, ऊंट चला। ओके जी। सो डियर चिल्ड्रन, आवर फर्स्ट वर्ड इज ऊंट। ऊंट क्या है बच्चों? ऊंट ऊंट इन इंग्लिश इट मीन्स कैमल। व्हाट? कैमल कैमल, ऊंट कैमल, ऊंट कैमल। कैमल। अगला शब्द है लंबी गर्दन। लंबी गर्दन क्या गर्दन है बच्चों? लंबी गर्दन इन इंग्लिश लॉन्ग नेक। लॉन्ग लॉन्ग नेक, नेक लंबी गर्दन, लॉन्ग नेक। क्या है बच्चों? लंबी गर्दन लॉन्ग नेक। नेक। अगला शब्द है ऊंची पीठ। क्या है बच्चों? ऊंची पीठ इन इंग्लिश इट मीन्स हाई वेस्ट और बैक। हाई वेस्ट और बैक। बैक, ऊंची पीठ, हाई वेस्ट और बैक। ऊंची पीठ, हाई वेस्ट और बैक। यस। अगला शब्द है बालू। बालू सैंड। क्या है बच्चों? वालू सैंड। बालू सैंड। वालू सैंड। अगला शब्द है बोझ उठाए। क्या है बच्चों? बोझ। बोझ उठाए। बोझ उठाए बोझ उठाए। इन इंग्लिश इट मीन्स वियर दी वर्डन। वियर दी बर्डन। वियर दी वर्डन। वियर दी बर्डन। वियर दी बर्डन। वियर दी बर्डन। बोझ उठाए, बियर दी बर्डन। बोझ उठाए, बियर दी बर्डन। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर मीन्स क्वेश्चन आंसर। व्हाट चिल्ड्रन? क्वेश्चन आंसर इन हिंदी? प्रश्न उत्तर। यस, प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, इस कविता में किस जानवर के बारे में बताया गया है? फिर से रिपीट करेंगे। इस, बोलो मेरे पीछे, इस इस कविता कविता में में किस किस जानवर जानवर के के बारे बारे में में बताया बताया गया गया है? है। इट मीन्स विच एनिमल इज डिफाइंड इन दिस पोयम। विच एनिमल इज मैंशन इन दिस पोयम। ओके, सो कैन यू टेल मी विच एनिमल? यस जी, वॉट? कैमल, यस, कैमल। इन हिंदी ऊंट। ऊंट। सो हाउ विल बी राइट इन सेंटेंस? सी, इस कविता में ऊंट के बारे में बताया गया है। ओके बच्चों, ओके जी। यस, लेट्स रिपीट। इस इस कविता कविता में में ऊंट के के बारे बारे में में बताया बताया गया गया है। है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ऊंट की गर्दन कैसी होती है? इट मीन्स हाउ इज कैमल्स नेक? उत्तर है, ऊंट की गर्दन लंबी होती है। इट मीन्स कैमल्स नेक इज लॉन्ग। सो लेट्स रिपीट। ऊंट ऊंट की गर्दन गर्दन कैसी कैसी होती होती है? है। ऊंट
ऊंट की गर्दन लंबी होती है। अगला प्रश्न, ऊंट की पीठ कैसी होती है? इट मीन्स हाउ इज कैमल्स बैक। ऊंट की पीठ कैसी होती है? सो आंसर है, ऊंट की पीठ ऊंची होती है। ऊंट की पीठ ऊंची होती है। कैमल्स बैक इज हाई। करते हैं, ऊंट की पीठ कैसी होती है। ऊंट की पीठ ऊंची होती है। अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इट मीन्स विच एनिमल इज नोन एज शीप ऑफ डेजर्ट। उत्तर है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इट मीन्स कैमल इज नोन एज शीप ऑफ डेजर्ट। ओके बच्चों, चलो फिर से रिपीट करते हैं इसको। लेट्स रिपीट फोर्थ क्वेश्चन। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उत्तर है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ प्रश्न उत्तर और नए शब्द ऊंट चला पाठ के। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल रीड इट टू टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स चिल्ड्रन? टू टाइम्स। थैंक यू डियर, टेक केयर, स्टे एट होम, गॉड ब्लेस यू।